जामिया मस्जिद की जानिब से एक अहम ऐलान किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि मस्जिद के ज़िम्मेदारों या मस्जिद के नुमाइंदों की जानिब से किसी भी सियासी जमात की तायद के लिए लिए गए फैसले में किसी भी तरह की तायद नहीं है। मुनव्वर पाशा उर्फ मुन्नो ने बताया कि आज कुछ लोगों ने इस सिलसिले में कहा है कि जामिया मस्जिद के ज़िम्मेदारों ने एक मखसूस सियासी पार्टी को वोट देने की बात कही है, लेकिन इस मामले में जामिया मस्जिद ने पहले ही वाजे कर दिया था कि वो किसी भी मखसूस पार्टी के लिए मुनक़द होने वाली रिसिस में शिरकत नहीं करेगी, ना ही इसके कोई नुमाइंदे की जानिब से इस फैसले की तायद होगी। बावजूद इसके कुछ लोग इस ताल्लुक़ से ये बयान जारी कर रहे हैं कि सुन्नी कमेटियों और सुन्नी जामिया मस्जिद की जानिब से एक मखसूस सियासी पार्टी को वोट देने की बात कही है। इस सिलसिले में मुनाक़द प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुनव्वर पाशा ने इस तफसीलात इस तरह से दी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंकलाब न्यूज़, शिमोगा। तमाम अहले सुन्नत व जमात के मसाजिद के सदर सेक्रेटरियों को यह जिम्मेदारी दी गई कि वो अपने अपने मोहल्लों में तमाम मुसलमानों के वोटों को एक तरफ किया जाए और 100% वोटिंग किया जाए, लेकिन ये फैसला कहीं भी नहीं किया गया कि एक पार्टी को इसका रुझान हो और एक पार्टी की तरफ वोट डालें। लेकिन आज सवेरे से कोई दूसरे तंजीमें जो अपनी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं कि उन्होंने एक मीटिंग मुनाकद की गई और उस मीटिंग में मरकजी सुन्नी जामिया मस्जिद का नाम लिया गया और कहा गया कि यहाँ के जिम्मेदारान भी उस मीटिंग में हाजिर थे और एक पार्टी को उन्होंने तायिद करते हुए इंतखाबात के लिए उस पार्टी को वोट डालने का फैसला किया गया है। लेकिन आज उस फैसले को मरकजी सुन्नी जामिया मस्जिद के तमाम जिम्मेदारान इस पर इत्तेफाक नहीं रखते। ये सरासर गलत है कि उस मीटिंग में अहले सुन्नत व जमात के कोई भी तंजीम से या कोई भी मसाजिद से कोई भी मौजूद नहीं था। यह सरासर गलत है और इसकी हम तायिद नहीं करते और ऐसे झूठे और आइडो को कोई ना माने। ये सबका जिम्मेदारी बनती है कि सबकी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे वीडियोस और ऐसे आइडियोस को तवज्जा ना दें, क्योंकि कल शहर शिमोगा की मरकजी सुन्नी जामिया मस्जिद में तमाम जिम्मेदार मौजूद हैं, इसकी शहादत भी मौजूद है, इसकी शहर शिमोगा के सदर सेक्रेटरी और अराकीन इसकी मजम्मत करते हैं। मरकजी सुन्नी जामिया मस्जिद की तरफ से कल सुबह कल दोपहर में 3 बजे एक मीटिंग मुंतखब की गई थी। उस मीटिंग में तमाम मसाजिद के सदर सेक्रेटरी को और वहाँ के अराकीन को बुलाया गया था। उसमें ये बातचीत की गई थी कि इस इलेक्शन पर कोई भी ऐसा ये नहीं ले सकते डिसीशन कि हम लोग फलाने फलाने कैंडिडेट को बोल के हम ये नहीं कर सकते क्योंकि माहौल खराब है। तो इस वजह से आप लोग अपने मोहल्लों में वहाँ की आवाम को साथ में लेके मशवरा करके जिसको भी जिताना है सही तरीके से वोटिंग करें और 100% वोटिंग कराए, ऐसी बातचीत हुई थी कल। आज सुबह ठीक 12 बजे कोई यहाँ वहाँ पर मीटिंग होके वहाँ जामिया मस्जिद का नाम लेके मस्जिद की तायिद है बोले, लेकिन वो बात सरासर गलत है। जामिया मस्जिद की तायिद कहीं भी नहीं है।